नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित धामपुर की, जहां हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थाना परिसर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम विपिन कुमार प्रजापति, हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष। देखिए, पूरा मामला ये है, हमारे जो देवी देवताओं की फोटो लगाकर पटाखे की बिक्री की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें जो पटाखा जो फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनकी फैक्ट्री बंद की जाए। कुछ नशीला पदार्थ भी हमारे देवी देवताओं के नाम रखकर बेचने का कार्य जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो हम हिंदू वाहिनी उक्त आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होगी। इस दौरान कामेन राज सैनी, व्योमकेश चौहान, पवन कुमार, रेखा सैनी, नीरज रानी, बाला देवी, नीतू, अंशु, विमला देवी, नवनीत कुमार, संयम जैन सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।